जून 2013 की आपदा के बाद विश्वविख्यात केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में एक बड़ी घंटी लगाने के लिए प्रवेश द्वार का निर्माण कराया गया है। साथ ही इस द्वार पर एक भारी भरकम घंटी भी लगाई गई है, जो त्रासदी से पहले के केदारनाथ परिसर की धरोहरों में से एक है। वह ऐसे क्योंकि आपदा से पहले भी केदारनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए एक प्रवेश द्वार था और इस प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी। इस घंटी को बजाते हुए इसी द्वार से भक्त मंदिर में प्रवेश करते थे। अब केदारनाथ मंदिर परिसर में दोबारा गेट बनने से एक बार फिर बाबा केदार के भक्त घंटी बजाते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे और बद्री केदार मंदिर समिति ने तीर्थ पुरोहितों और भक्तों की मांग पर ये निर्माण करवाया है। केदारनाथ में जब 16 और 17 जून 2013 की भीषण त्रासदी आई थी तो पूरी केदार नगरी का स्वरूप बदल गया था और मंदिर प्रांगण समेत पूरी केदार नगरी आपदा की भेंट चढ़ गई थी। साथ ही आपदा से पहले केदारनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए जो प्रवेश द्वार था वह भी टूट गया था। लेकिन अब जब केदार नगरी का कायाकल्प हो रहा है तो पुरानी धरोहरों और निशानियों को दोबारा वहां स्थापित किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि यह द्वार और घंटी मंदिर के ठीक सामने लगाई गई है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ यात्रा अभी थमी नहीं है। अभी भी धाम में रोजाना 5 से 6 हजार यात्री आ रहे हैं, जिससे केदार नगरी गुलजार नजर आ रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।